नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। राजपथ का नाम हुआ कर्तव्य पथ। एनडीएमसी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को दी मंजूरी। विजय चौक से इंडिया गेट तक कहलाने वाला राजपथ अब कर्तव्य पथ से जाना जाएगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जहाँ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभाग कार्यालय स्थित हैं। विजय चौक से इंडिया गेट के बीच राजपथ की लंबाई 1.8 किलोमीटर, सड़क की चौड़ाई 12 मीटर और फुटपाथ की चौड़ाई जो ग्रेनाइट पत्थर से बनी है दोनों तरफ से 4.2 मीटर है। बुधवार को एनडीएमसी की विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एनडीएमसी की बुधवार को हुई विशेष बैठक में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार की विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की। इस बैठक में पालिका परिषद के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भल्ला, उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव डी थारा, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री, एनडीएमसी के सचिव विक्रम सिंह मलिक के साथ एनडीएमसी के अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। विधायक व एनडीएमसी सदस्य वीरेंद्र सिंह कादियान, सदस्य कुलजीत सिंह चहल, विशाखा सैलानी और गिरीश सचदेवा बैठक में शामिल हुए। एनडीएमसी की विशेष बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मीनाक्षी लेखी ने बताया कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से एनडीएमसी को राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे लोक कल्याण और राष्ट्र विकास की दिशा में कर्तव्यों को अपनाया जा सकेगा। एनडीएमसी द्वारा यह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके पीछे यह विचार है कि इस क्षेत्र के पूरे औपनिवेशिक इतिहास को लोकतांत्रिक राष्ट्र की थीम और मूल्यों पर बदला जाना चाहिए। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के संबंध में एनडीएमसी द्वारा यह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इसके पीछे यह विचार है कि इस क्षेत्र के पूरे औपनिवेशिक इतिहास को लोकतांत्रिक राष्ट्र की थीम और मूल्यों पर बदला जाना चाहिए। पहले राजपथ को किंग्सवे और जनपथ को क्वींसवे के नाम से जाना जाता था। क्वींसवे का नाम बदलकर जनपथ कर दिया गया था, जबकि किंग्सवे का केवल हिंदी में राजपथ के रूप में अनुवाद किया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसा महसूस किया जा रहा था कि लोकतंत्र के मूल्यों, सिद्धांतों और समसामयिक नए भारत के राजपथ का नाम बदलने की जरूरत है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राजपथ का तात्पर्य राजा के विचार की मानसिकता से है जो शासितों पर शासन करता है, जबकि स्वतंत्र लोकतांत्रिक नए भारत में यह जनता है जो सर्वोच्च है और सरकार और लोक सेवा यहाँ आम जनता की सेवा और जरूरतों को पूरा करने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि नए कर्तव्य पथ की अवधारणा हमें बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र, समाज, परिवार और सभी लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमती लेखी ने संविधान के तहत निहित मौलिक कर्तव्यों का भी हवाला दिया और कहा कि यह हमारी समृद्ध विरासत और मिश्रित संस्कृति के संरक्षण के लिए यह प्रेरणा है। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं के तहत कर्तव्यों के विषय को याद करते हुए कहा कि केवल यहाँ कर्तव्य प्रमुख है, अधिकार नहीं। इसके पीछे कारण यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो दूसरों के अधिकार अपने आप उसमें पूरे हो जाते हैं। कर्तव्य पथ राष्ट्र, समाज, परिवार और सभी लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए इस सड़क पर आने वाले या सड़क को पार करने वाले सभी लोगों को प्रेरित करेगा।
यह शासन प्रणाली के तहत राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति कर्तव्यों का पालन करने की सोच के तहत दिमाग को भी बदलेगा। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अमृतकाल में हमने भारत के संविधान के अध्याय 4.1 के तहत परिभाषित अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष और हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए अपने सिद्धांतों से प्रेरित विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। इससे पहले सभी परिषद सदस्यों ने परिषद की बैठक में कर्तव्य पथ पर औपनिवेशक प्रतीकों से स्वतंत्रता, आजादी का अमृत महोत्सव में औपनिवेशक नाम से आजादी, भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और इसके संरक्षण पर विचार विमर्श करते हुए संविधान से प्रेरणा लेने का हवाला देते हुए अपने विचार और व्याख्याएं व्यक्त की। इस तरह की और नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ अपने शहर से लेकर देश दुनिया की अपडेटेड खबरों के लिए सुनते रहिए पत्रिका पॉडकास्ट।